नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन योर डॉग क्वाइट। तो आज के इस वीडियो में जो मेरे पप्पी आप हाथ में देख रहे हो जो है लैब्राडोर। तो जैसे कि आप लोग भी अगर लैब्राडोर को बाय करते हो, कोई भी पप्पी अगर आप बाय करते हो, तो पहला सबसे पहला जो डाउट होता है आपके मन में, क्या मेरा पप्पी ओरिजिनल है कि फेक है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपका पप्पी यहाँ पे ओरिजिनल है कि फेक है। तो आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे और इसकी डीवॉर्मिंग कैसे करनी है, इसको क्या फीड आपने देनी है, किस तरह का टाइप का फूड आपने देना है, किस तरह का फूड आपने अवॉइड करना है, इसको नहीं देना है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो मोस्टली हमारी होने वाली है कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये रियल है कि फेक है। बाकी की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। मेक श्योर कीजिए कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक पप्पी देख रहे हो लैब्राडोर, जो कम से कम यहाँ पे 70 डेज का यहाँ पे हो चुका है, आप देख सकते हो। तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीके मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो आपने चीज़ देखनी है वो है इसकी टेल। इसकी टेल हमेशा यहाँ पे सीधी रहती है, आप यहाँ पे देख सकते हो हमेशा। और इसकी टेल, इसके जो ये घुटने जो होते हैं इसको एक्सीड नहीं करती है, यानी कि इस घुटने के बराबर होती है इसकी टेल, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करती है। और टेल की एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करना कि इसकी टेल स्टार्टिंग में यहाँ पे थिक होती है और यहाँ पे थिन थिन होती रहती है। बाकी जो आप डॉग्स देखते हो उनकी टेल पीछे से आपको थिक नज़र आती है, लेकिन इसकी बिल्कुल पतली होती रहती है। तो ये टेपर शेप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम इसके फेस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इसका फेस देख सकते हो। इसके ईयर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इसके ईयर आपको बिल्कुल यहाँ पे डाउन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, किसी भी तरीके का उसमें कर्ल वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके फेस की अगर हम बात करें तो फेस आप इसका ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो फेस आपका इसका हेड देख सकते हो, ब्रॉड में हेड आपको देखने को मिलेगा। और साथ में अगर इसके मुंह की अगर हम बात करें तो मुंह को ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे एक अलग तरीके का यहाँ पे जॉ सा बना होता है, जो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो एक अलग से तरीके का यहाँ पे जॉ सा आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें लैब्राडोर पप्पी की, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक आपको देखने को मिल रहा है, और किसी भी तरीके का और कलर का निशान आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, पूरा ब्लैक में आपको देखने को मिलेगा। अगर व्हाइट है तो पूरा व्हाइट देखने को मिलेगा, अगर गोल्डन है तो पूरा गोल्डन देखने को मिलेगा, अगर ब्राउन है तो पूरा ब्राउन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लैब्राडोर। और यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी लोग आपको यहाँ पे नहीं बताते हैं उसके बारे में, जो है उनकी आइज़। तो आइज़ की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसकी आइज़ आप देख सकते हो हल्की सी आपको ब्राउन सी, यहाँ पे दो शेड आपको देखने को मिलेगी। तो ज़्यादातर लैब्राडोर की आइज़ यहाँ पे ब्राउन होती है, या तो उनकी आइज़ यहाँ पे हेज़ल होती है। तो ये दो आइज़ आपको देखने को मिलेगी, उसके अलावा कोई भी आँख आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। और उसके हेड की बात करें तो हेड आप देख सकते हो, कम से कम यहाँ पे हेड आपको यहाँ पे चौड़ा सा देखने को मिलेगा। उसके बाद इसका फेस की अगर हम बात करते हैं तो इसका लंबा फेस नहीं होता है, यहाँ पे आपको हल्का सा आपको यहाँ पे अलग सा यहाँ पे आपको क्रिएचर मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक बार आप यहाँ पे अच्छी तरह से देख लीजिए। और साथ में आप अपने अगर आपने लैब्राडोर लिया है तो गूगल पे आप जा सकते हो, वहाँ पे आप फोटोज़ निकाल सकते हो लैब्राडोर पप्पीज़ की। तो उससे कंपेयर करना मत भूलिएगा, अपने डॉग को उससे ज़रूर कंपेयर कीजिएगा। बाकी इसके बॉडी को एक बार ध्यान से देखिएगा, कोई भी किसी भी तरीके का और कलर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, फुल ब्लैक में आपको ये पप्पी देखने को मिल रहा है। तो इसकी ग्रोथ की अगर हम बात करें, यहाँ पे अच्छी खासी इसकी ग्रोथ है यहाँ पे। इसको हम डीवॉर्मिंग भी करते हैं इसकी 15 डेज के बाद। वो कैसे करनी है उसके बारे में मैं डिटेल में यहाँ पे वीडियो लाऊंगा, क्या क्या डाइट हम इसको देते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जब हमने पप्पी ये लाया था कम से कम 2 से 2.5 kg का था, तो अभी की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसकी है, 7 kg के आसपास ये पप्पी हो चुका है। कुछ ऐसा फूड भी होता है जो आपने पप्पीज़ को बिल्कुल नहीं देना, अगर आप देते हो तो अल्टीमेटली आपके पप्पी की डेथ भी हो सकती है। तो उसके ऊपर भी मैं यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे वीडियो लाने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है आप देख सकते हो। लैब्राडोर की अगर हम स्किन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, जैसे अगर इसके ऊपर अगर पानी भी अगर आप डालते हो तो उसकी स्किन तक पानी नहीं पहुँचता है। तो एक तरह का वाटरप्रूफ कोटिंग आपको लैब्राडोर में देखने को मिलेगी। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रहती है, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके मन में रहता है, तो नीचे मैं अपने इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पे उसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। और किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हो। इन फ्यूचर काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको डॉग्स के बारे में यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा,
और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेशन में जरूर पूछिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस टेक केयर।